चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आपके समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक 2020 में जो निकलती है ना, यूपीपीसीएस के समय निकालती है इस दृष्टि, तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें याद रखिए, हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य भी खत्म कर चुके हैं, आपका विधिक परिदृश्य भी खत्म कर चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, वैज्ञानिक परिदृश्य देख चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं, 2019-20 में जो भी घटनाएं घटी हुई है। तो ये उत्तर प्रदेश उन्हीं बच्चों के लिए जरूरी है जो यूपीपीसीएस या फिर यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप अपने स्टेट से जुड़े रहिए, जो भी करंट की घटनाएं रहती है, जिस भी पेपर के देना हो आपको, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास पास टाइम है तो उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा कुछ बड़ी नहीं। उसके बाद आपकी दो टॉपिक और बचना है, संक्षिप्तियां और खेल परिदृश्य। इसके साथ आपकी ये बुक्स कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? तो वैसे ये बुक्स हर किसी एग्जाम के लिए जरूरी है, फिर चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, जहां भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए जरूरी है। और आजकल आप जान रहे हैं कि क्वेश्चंस करंट से सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो इसमें उत्तर प्रदेश का आपका राज्य की राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं, सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक घटनाओं पर नजर डाल देंगे और विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नजर डालेंगे। और याद रखिए, उत्तर प्रदेश का हम लोग बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों, जब हम लोगों ने आर्थिक परिदृश्य देखा था, भारत का बजट, भारत की समीक्षा, आर्थिक समीक्षा, तो उस समय ही देख लिया था, ठीक है? अभी हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020, 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 जारी की गई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को गति प्रदान करना है। तो याद रखिए, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है इनसे, क्योंकि आप देखते हैं ये उत्तर प्रदेश की घटनाएं हैं, इसका उद्देश्य भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक पसंदीदा गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित किया जाना इस नीति का मिशन भी है। यह नीति उत्तर प्रदेश की को आच्छादित करती है। इस नीति के अंतर्गत पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र पर विशेष फोकस भी दिया गया है। आप जानते होंगे कि बुंदेलखंड कुछ का हिस्सा कुछ एमपी में पड़ता है, कुछ उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये पूरा हिस्सा आप देखेंगे पिछड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? अगर इसके लक्ष्य की बात करें तो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है इसमें। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना, प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जेवर हवाई अड्डे के समीप जनपद गौतम बुद्ध नगर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना करना प्रस्तावित है। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाना प्रस्तावित है और लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव प्रस्तावित है, ठीक है? प्रदेश में 3 उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना भी करना इसका उद्देश्य है। प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा ESDM पार्क्स की स्थापना करना भी है। फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर्स निर्माण में निवेश करना भी आकर्षित है। रोजगार के साथ के लगभग 400 लाख, कितना, 4 लाख अवसर राज्य में ही प्रदान करेगा, कितना, 4 लाख रोजगार, ठीक है? 400 लाख नहीं, बहुत हो जाते हैं 400 लाख। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु IIT और इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक नोडल संस्था नामित की जाएगी। यह संस्था राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकोसिस्टम के सतत विकास हेतु एक नीतिगत वातावरण के सृजन हेतु उत्तरदायी होगी। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध होगी। कितने, 5 सालों के लिए वैध होगी। एक तो क्या है कि सुबह से वो घटना देख ली ना, उसके बाद दिमाग थोड़ा बड़ा मन विचित्र हो चुका है। 1 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 जारी की गई थी। कब, इससे पहले 2017 में, 1 जनवरी 2018 को। इसके तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को जोन घोषित किया गया था 2017 की विनिर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में। फिर आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 आई हुई है। 8 जुलाई 2020 को मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है। यह नीति सभी प्रकार के उद्योगों यथा चिकित्सा, ऊर्जा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के माध्यम से एक दृढ़ स्टार्टअप इकोसिस्टम के निर्माण में योगदान देगी। याद रहे कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सूचना
और प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 पिछले में, जिसकी परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की स्टार्टअप इकाइयों के दृष्टिगत की गई थी। स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सिडबी के साथ 1,000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की स्थापना तथा यूपी एंजल नेटवर्क की स्थापना की गई है। फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड भी बनाए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ 20 मई 2020 को बनाया गया। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश, इस बात को भी याद रखिए। जब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के नई सरकार का गठन हुआ था उत्तर प्रदेश में, तो एक वो कौन सा क्या चला था, मजनू क्या स्कॉट, कौन सा स्कॉट चला था, तो आप लोगों का क्या सोचना है, अच्छा चला था या गलत चला था? अभी का तो मुझे पता नहीं, सुना है कि अब तो सुधर गई है, लेकिन इलाहाबाद में आप लोग चंद्रशेखर पार्क, कंपनी गार्डन सुनते होंगे। आप लोग अगर इलाहाबाद में यूपी बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो रहते भी होंगे इलाहाबाद में, तो उसमें पता है मतलब आप लोग जाते होंगे तो परिवार के साथ आप जा नहीं सकते हैं, ये स्थिति थी उसकी। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, आप तो सुना है मैंने कि काफी सुधर भी चुका है वहां की स्थिति, तो मतलब इतना मतलब आप सोचिए बिगड़ा हुआ क्षेत्र था कि वहां आप परिवार, अगर आपके परिवार का कोई है और घूमने के लिए आप जा नहीं सकते हैं। अगर आपको मस्ती करना है तो अकेले जा सकते हैं, लेकिन अब तो सुना है कि काफी सुधर चुका है, तो अच्छी बात है। तो मिशन आगे बात करते हैं, मिशन वृक्षारोपण 2020। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा वन महोत्सव के अंतर्गत कुकरेल वन में हरी संकरी के पौधों का रोपण कर मिशन वृक्षारोपण 2020 यानी कि 2020 का शुभारंभ 5 जुलाई 2020 को किया गया। याद रहे कि पीपल बरगद पाकड़ के सम्मिलित रोपण को हरी संकरी कहा जाता है, किसे किसे, पीपल बरगद और पाकड़ के। मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत एक दिन में 25 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया। और याद रहे कि अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश में वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन भी किया गया था। एक दिन में प्रदेश में 22,59,61,116 पौधे लगाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अच्छी बात है, याद रखिए जब भी आप लोगों का बर्थडे होता है तो आप भी इस तरह के लगाते रहा करिएगा। देखिए पार्टी देंगे आप लोग भूल जाएंगे, एक दिन के बाद पेड़ लगाएंगे तो शायद मुझे तो लगता है कि हमेशा याद बना रहेगा आपका बर्थडे जब तक पेड़ रहेगा, तो इसलिए लगाते रहा करिएगा, ऐसे काम करते रहा करिएगा। जनपद प्रयागराज में एक निश्चित समय में एक ही स्थान पर 76,823 निःशुल्क पौध वितरण कर एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया गया है। कहने का मतलब आप जानते हैं कि जैसे इलाहाबाद आप कहते थे, आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं आप लोग। फिर आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यानी कि यूपीएसएसएफ का गठन। 26 जून 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन का निर्णय लिया गया है। यह बल राज्य में मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों और बैंकों, वित्तीय संस्थानों, ऐतिहासिक स्थलों और धार्मिक तीर्थ स्थलों, जनपदीय न्यायालयों आदि की सुरक्षा हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चरण में इस बल की 5 बटालियन गठित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। कहाँ? लखनऊ में होगा, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन और रोजगार आयोग 16 जून 2020 को मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन और एवं रोजगार आयोजन का गठन निर्णय लिया गया है। यह आयोग कामगारों और श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, उनके सर्वांगीण विकास हेतु गठित किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में आधिकारिक सेवा आयोजन एवं रोजगार के अवसर सृजित करना है। मुख्यमंत्री और अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो इसे भी अच्छे से याद रख सकते हैं। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री का को आयोग का संयोजक बनाया जाएगा। फिर आपने सुना होगा कि इन्वेस्ट यूपी 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने इन्वेस्ट यूपी, उत्तर प्रदेश निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के गठन का प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इन्वेस्ट यूपी यूपी की स्थापना उद्योग बंधु को अपग्रेड व सुदृढ़ करते हुए तथा इस नई संस्था के लिए प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था करते हुए एक सम्यक ढांचा बनाया जाएगा। इस एजेंसी के ढांचे में गवर्निंग बोर्ड और संचालन समिति शामिल होंगे।
गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री की द्वारा। कार्यकारी स्तर पर निर्देश देने, अंतर विभागीय समन्वय बनाने और अनुश्रवण हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयोग की अध्यक्षता में संचालित समिति का कार्य करेगी। इस संस्था का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रदेश सरकार का एक ऐसा पूर्णकालिक वरिष्ठ अधिकारी होगा जिसके अधीन चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को कार्य करने में आवश्यक स्वायत्तता बनी रहे, यानी कि ऑटोनॉमी बनी रहे। फिर आपने सुना होगा एक नई खबर है कि उत्तर प्रदेश गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश। देखिए अध्यादेश का मतलब ये होता है कि देखिए 123 के तहत आप देखते हैं राष्ट्रपति साहब अध्यादेश जारी करते हैं जब संसदन का कोई मतलब सदन ना चल रहा हो उस समय से, या फिर जब भी इसकी जरूरत हो इस तरह के अध्यादेश की उस समय लाया जाता है। उसके बाद आप जानते हैं कि अध्यादेश को दोनों सदनों में पास करवाना होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति के बाद वो अधिनियम में बदल जाता है और जब तक देखिए संसद के सदनों में रहता है तब तक ये विधेयक कहलाता है। और आपने देखा होगा क्या इसी तरह राज्यपाल भी आपका जारी करता है 213 के तहत। किसके तहत? 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। देख लीजिए थोड़ा मुझे डाउट है, डाउट नहीं ठीक है 213 ही है। अगर इस तरह की गलती होती है कहीं तो आप लोग बता दिया करिएगा, ठीक है 213 आर्टिकल कहीं गलती हो जाती है, देखिए सबसे गलती हो जाती है तो सुधार के नीचे लिख दिया करिएगा। तो 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश गौ वध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को स्वीकृति प्रदान की गई है। अध्यादेश के उद्देश्य की बात करें तो प्रदेश में गौ वध निवारण अधिनियम 1955 को अधिक प्रभावी एवं संगठित बनाना है। गाय एवं गौवंशीय पशुओं की रक्षा, गौकशी की घटनाओं से संबंधित अपराधों पर पूर्णता नियंत्रण स्थापित करना है। आप सोचिए कि वोट बैंक के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ता है इन लोगों को। अभी आप देखिए यहाँ इस तरह के संशोधन बिल ला के आप जनता की नजरों में उठ जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एमपी में देखा था, मध्य प्रदेश में, कि वहां पता है गाय भूख से मर रही है, एक गौशाला का देखा था मतलब वहां जाके, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि इतनी बुरी हालत है उन गाय की, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब एक तरह से जिंदा थी, उनका कोई शरीर मरीर नहीं बचा था, पूरी तरह से खत्म थी वो। इतना मतलब फंडाता है वहां, जिससे भी पूछा इस तरह की, आप लोग देख भी कई वो गौशालाओं की स्थिति आप भी देखते रहते हैं कि इतना फंड मिल रहा था उसमें कि गाय का, आप सोचिए कि जहां 100 गाय हैं वहां 50 गाय का भी पूरा फंड नहीं था। चलिए अब क्या कर सकते हैं। ऑनलाइन स्वरोजगार संगम कार्यक्रम 14 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उन्होंने 56,754 उद्यमियों को 2,002.49 करोड़ रुपए का ऋण ऑनलाइन वितरित किया है। उन्होंने लॉकडाउन के दृष्टिगत लाभार्थियों की सुविधा के लिए विभागीय योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को भी ऑनलाइन किया है। उन्होंने एमएसएमई साथी पोर्टल एवं मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया है, ठीक है, ये यूपी सरकार के इन सभी। फिर आपने एक और सुना होगा प्रवासी राहत मित्र ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप 8 मई 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार किया गया प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया गया है। यह ऐप आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के सहयोग से विकसित किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में आने वाले प्रवासी नागरिकों की को सरकारी योजनाओं का लाभ, उनके स्वास्थ्य की निगरानी और विशेषकर उनके कौशल के अनुरूप भविष्य में नौकरी एवं आजीविका प्रदान करने में सहयोग करने हेतु इन प्रवासी नागरिकों का डेटा कलेक्शन करना है। इस ऐप द्वारा आश्रय केंद्रों में रुके हुए व्यक्तियों, किसी कारणवश अन्य राज्यों से सीधे अपने घरों को पहुंचने वाले प्रवासी व्यक्तियों का पूरा विवरण लिया जाएगा, ठीक है, इस ऐप को भी याद रखिए। फिर आपने देखा होगा कि आयुष कवच कोविड ऐप भी लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप 5 मई 2020 को लॉन्च किया गया। राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित इस ऐप पर आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियां
चिकित्सा पद्धति की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध है। एक बात और आपको बताऊं, इस बार मुझे पूरी संभावना है कि कोरोना महामारी से, यानी कि आपका क्वेश्चन आने की संभावना है। देखिए, किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये देखिए मेंस की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि लिखित परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने जितने भी आर्टिकल अभी आज से पहले देखे होंगे सभी आपके लगभग कोरोना महामारी से जुड़े हुए ही आए हैं, तो इससे बनने की पूरी संभावना है। तो जो भी आंकड़े हैं इकट्ठा करके एक जगह आप छुप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, अगर आता है आंसर तो आप लिख दे लीजिएगा बेहतर, ठीक है। आयुष कवच कोविड ऐप, ये कोविड-19 से लड़ने के लिए एक तरह से। फिर आपने सुना होगा कि बेहद सामाजिक अधिकारिता शिविर 29 फरवरी 2020 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आयोजित बेहद सामाजिक अधिकारिता परिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वायुश्री एवं एडिप योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को निःशुल्क सहायता प्रदान उपकरण वितरित किए गए। इस शिविर में लगभग 27,000 दिव्यांगजनों एवं वृद्धजनों को उपकरण वितरित किए गए, जिसमें ट्राई साइकिल, मोटर राइड ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर, चलने वाली स्ट्रिप और अन्य उपकरण भी आपके शामिल थे। इस शिविर में 3 नए विश्व रिकॉर्ड बने, जिन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पहला विश्व रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 300 ट्राई साइकिलों को 1.8 किलोमीटर चलाकर बनाया गया, और दूसरा विश्व रिकॉर्ड हाथ से चलने वाली 626 ट्राई साइकिल को 1 घंटे में निःशुल्क वितरण कर बनाया गया। तीसरा रिकॉर्ड अगर हम बात करें तो 13 मिनट में सबसे बड़े बड़ी 400 व्हील चेयर की लाइन बनाकर बना, जिसे दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा बनाया गया, तो इनको भी याद रख सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका सुना भी होगा आपने, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया गया है, ये 29 फरवरी 2020 को, ठीक है। चित्रकूट, आप जानते हैं चित्रकूट का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है और एमपी में भी पड़ता है, ठीक है। इस एक्सप्रेस वे की लंबाई आप देखेंगे 296.07 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था यूपीडा द्वारा कराया जा रहा है, तो इसका ये संस्था को भी याद रखना है, यूपीडा। यह एक्सप्रेस वे चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव में झांसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर बांदा और महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होते हुए इटावा के कुड़रेल गांव के निकट आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा कि काशी महाकाल एक्सप्रेस वे 16 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा IRCTC की तीसरी निजी ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग स्थलों को, यानी कि वाराणसी, बाबा विश्वनाथ, उज्जैन, महाकालेश्वर, ये आपका मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर को जोड़ेगी, ठीक है, इन तीनों तीर्थ स्थलों को। इस ट्रेन में एक सीट बाबा भोलेनाथ के लिए आरक्षित है, ये अच्छी बात है, समझ रहे हैं, बाबा भोलेनाथ भी इसकी सवारी करेंगे, यानी कि यात्रा करेंगे। फिर आपने सुना होगा गंगा यात्रा, 27 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर में तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया में गंगा यात्रा का शुभारंभ किया है। इस यात्रा का उद्देश्य गंगा को पूर्ण स्वच्छ रूप से स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाना और जन सामान्य में इसकी प्रति जागरूकता पैदा करना शामिल है। देखिए, ये भी सही बात है कि आप भी जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, अगर इसे आप सोचिए सफलता मिली है तो जनता की भागीदारी के कारण आप कितनी भी योजनाएं ले आइएगा, जब तक जनता या कोई भी कार्यक्रम है जनता जागरूक नहीं होती तब तक वो सफल नहीं हो सकती है। तो सफल किसी भी चीज को, किसी भी योजना को, किसी भी परियोजना को बनाना है तो आप उसमें सबसे ज्यादा जनता को जोड़िए, ठीक है, इसीलिए ये किया जा रहा है। गंगा यात्रा के दौरान भागीदारों ने 27 जिलों, 21 नगर निकायों, 238 ग्राम पंचायतों और 1638 राजस्व ग्रामों से गुजरते हुए 1338 किलोमीटर की यात्रा की है, ठीक है। और गंगा यात्रा के दौरान सभी आच्छादित 27 जिलों में सभी विभागों द्वारा जन कल्याणकारी और उपलब्धियों के विषय में जनमानस को अवगत कराया गया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चिन्हित कर लाभान्वित भी किया गया। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस प्रकार की गंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। 31 जनवरी 2020 को इस यात्रा का समापन कानपुर में हुआ है, तो इसको भी याद रखना, पूछ सकता है कि कहां समापन हुआ था, तो कानपुर में, उत्तर प्रदेश का शहर है ना कानपुर।
आगे आपकी नई खबर, उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली क्या है? 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश यानी पुलिस कमिश्नर प्रणाली राज्य की राजधानी लखनऊ और आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर में लागू की गई है। आर्थिक राजधानी गौतम बुद्ध नगर, तो इन दोनों को याद रख सकते हैं। लखनऊ नगर और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत अपर पुलिस महानिदेशक स्तर पर एक एक पुलिस आयुक्त तैनात किया जाएगा। लखनऊ नगर और लखनऊ ग्रामीण नामक दो पुलिस जनपदों के गठन का निर्णय लिया गया है। गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद लखनऊ नगर और गौतम बुद्ध नगर को महानगर क्षेत्र घोषित करने का निर्णय भी किया गया है। आजकल यूपी यूपी की पुलिस वालों की गाड़ियां बहुत पलट रही हैं, आप देख रहे हैं। मुजरिम होते हैं जो मारे जाते हैं और पलटते ही। 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020, 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 ये 12 जनवरी से 16 जनवरी 2020 के मध्य 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2020 का आयोजन लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है, किस नंबर का है? ये लखनऊ में हुआ हुआ है। 23वां है राष्ट्रीय युवा उत्सव, 12 से 16 जनवरी के बीच हुआ है। अगर इसके विषय या थीम की पूछे तो फिट यूथ फिट इंडिया। फिट यूथ यानी कि आप लोग फिट रहिए और फिट इंडिया रहे। इसका उद्घाटन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद की 157वीं जयंती के अवसर पर किया गया है। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1995 से यह उत्सव आयोजित कर रहा है। तो क्या पूछ सकता है कि कब से पहली बार कब हुआ था? तो ये 1995 से कर रहा है। कौन कौन? जो हमारा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार करता है इसे, और जहां भी किया जाता है उस सरकार के साथ मिलकर। इस बार उत्तर प्रदेश में किया गया तो उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर किया गया। फिर आपने सुना होगा अटल आवासीय विद्यालय, तो उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 18 अटल आवासीय विद्यालय की विद्यालयों की शिलान्यास किया गया है। आप सभी जानते होंगे कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। यह विद्यालय नवोदय विद्यालय की तर्ज पर संचालित किए जाएंगे, अच्छी बात है। आगे चलते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि हेल्पलाइन दामिनी, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया है 31 दिसंबर 2019 को। ये भी अच्छी पहल है, समझ रहे हैं। इस हेल्पलाइन का नंबर कितना है? 81 14 27 77 77। ये आप लोग शेयर भी कर दिया करिए। इस तरह की पता है, इस तरह के नंबर जो भी हुआ करेंगे अपने फेसबुक, आप लोग जिस भी प्लेटफॉर्म पर है सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया करिएगा। एक बार और सुन लीजिए, 8114277777। 5 बार है 7, यानी कि 5 टाइम्स, ठीक है। फिर आपने सुना होगा कि 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ये 28 से 29 नवंबर 2019 के मध्य 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन लखनऊ में किया गया है। इस आयोजन ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। किसके द्वारा? ये आपकी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा हर साल किया जाता है। यह तीसरा अवसर था जब ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, ठीक है। इससे पहले भी 2 बार किया जा चुका है। फिर आपने सुना होगा कानपुर मेट्रो रेल परियोजना। अब हर जगह परियोजना, रेल मेट्रो परियोजनाएं चलाने की बात की जा रही है, सबको घूमने का मौका मिले एक तरह से, समझ रहे। तो 15 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर आईआईटी कानपुर से नौबस्ता यानी लंबाई इसकी 23.785 किलोमीटर
और कृषि विश्वविद्यालय से वर्रा तक ये इसकी लंबाई है आपकी 8.60 किलोमीटर निर्मित किए जाएंगे। ठीक है, इस परियोजना में आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक निर्मित किए जाने वाले कॉरिडोर एक के अंतर्गत आईआईटी कानपुर से मोती झील तक प्राथमिक सेक्शन चयनित किए गए हैं। इस स्टेशन की कुल लंबाई आपकी लगभग 9 किलोमीटर की होगी। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम सेक्शन का निर्माण कार्य 30 नवंबर 2021 तक पूरा होना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 85 किलोमीटर से अधिक रेल अधिक मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है। ठीक है सर, एक आपने और योजना सुनी होगी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। ये 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत कन्या शिशु के जन्म से लेकर स्नातक में प्रवेश तक विभिन्न चरणों में सरकार द्वारा 15,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। अच्छी बात है। योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपये या उससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। योजना का लाभ किसी परिवार की अधिकतम 2 बच्चियों को ही प्राप्त होगा। बढ़िया बात है। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिए। इस तरह की योजनाएं आ जाती हैं, आप लोग भी थोड़ा जागरूक करते रहा करिएगा। आप भावी आए मतलब होने वाले आने वाले समय की आई है UPCS या जो भी अधिकारी हैं, कम से कम मालूम रहे आसपास जो भी रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें इस तरह की योजनाओं को बता दिया करिएगा। चलिए, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, फिलहाल आप तो पढ़े लिखे हैं। फिर एक बाल प्रगति सूचकांक 2019 17 अक्टूबर 2019 को इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटेटिवनेस द्वारा नई दिल्ली में बाल प्रगति सूचकांक जारी किया गया है 2019। वर्तमान सूचकांक में उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को शामिल किया गया। कितने? 71, यानी कि 71 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। बाल प्रगति सूचकांक की गणना उसके 3 आयामों मानव की आधारभूत आवश्यकताओं, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग तथा अवसर के स्कोर के औसत रूप में किया गया है। 3 आधारों को याद रखिए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इसे एक तरह से जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिलों को उनके स्कोर के आधार पर 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, उच्च, उच्च मध्य, निम्न मध्य और निम्न बाल प्रगति। गौतम बुद्ध राज्य का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला है, जबकि बलरामपुर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला जिला रहा है। तो गौतम बुद्ध नगर सबसे बेहतर स्थिति में है और बलरामपुर सबसे खराब स्थिति में है। प्रयागराज की बात करें तो 14वें स्थान पर है उच्च बाल प्रगति वाले जिलों में। याद रखा करिएगा, जो प्रयागराज इसलिए पूछ लेता है आप लोगों से क्योंकि आप देखते हैं कि अधिकतर आप लोग UPPCS की तैयारी वहीं करते हैं, समझ रहे हैं? तो आप लोगों से इसीलिए पूछ लेता है कि कहाँ आपका प्रयागराज किस नंबर पर है। हर इंडेक्स में याद रखा करिए तो ये है 14वें नंबर पर। उच्च बाल प्रगति वाले 5 अगर हम लोग जिलों की बात करें तो इसमें आपका गौतम बुद्ध नगर 69.10 स्कोर मिला हुआ है, गाजियाबाद को 63.98, बागपत को आपका 62.05, मेरठ की बात करें तो आपका 60.95, वाराणसी की बात करें तो 58.45। ये उच्च बाल प्रगति वाले 5 जिले हैं। अगर निम्न की बात करें हम लोग नीचे की, तो इसमें 5 जिले हैं आपके बहराइच, माफ करिए, ये आपका बलरामपुर पहले नंबर पर, नीचे से बात कर रहा हूँ, यानी कि 71वें नंबर पर आपका बलरामपुर। इसका स्कोर कितना है? 26.58 स्कोर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका बहराइच, तीसरे नंबर पर आपका मतलब नीचे से तीसरा बता रहा हूँ, और वैसे आप बात करें तो 71वें नंबर पर बलरामपुर और 70वें नंबर पर बहराइच, 69वें नंबर पर श्रावस्ती, 68वें नंबर पर सीतापुर और 67वें नंबर पर बदायूं। तो टॉप पर पूछे तो आपसे गौतम बुद्ध नगर और नीचे से आपके अगर पूछे तो 71वें नंबर पर आपका क्या है? बलरामपुर। ठीक है, याद रखिए। फिर एक और आपने नई खबर सुनी होगी, स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप। स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप 14 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री ने स्वच्छ वायु मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। याद रहे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के कुल 101 शहरों को प्रमुख वायु प्रदूषण शहरों के रूप में चिन्हित किया है। इसमें 15 शहर आगरा, प्रयागराज, अनपरा, बरेली, फिरोजाबाद, कैथरवाला, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर, खुर्जा, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, रायबरेली और वाराणसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये 15 शहर आपके उत्तर प्रदेश से हैं। तो इसमें याद रखिए, आपका वाराणसी भी शामिल है, आपका कानपुर भी शहर है शामिल है, और आपका लखनऊ भी शामिल है, प्रयागराज भी शामिल है, आपके खास खास जो भी झांसी भी शामिल है, कानपुर भी शामिल है, जो भी मेन एरिया है सभी शामिल है लगभग। तो आप समझ सकते हैं आपकी स्थिति कहाँ है। फिर एक और नई खबर है, रेहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाया गया।
6 अगस्त 2019 को मंत्रिपरिषद द्वारा रेहंद जलाशय पर 150 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित कर 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की गई है। यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट निजी क्षेत्र में पीपीपी मोड में लगाए जाएंगे, जो देश में अपनी तरह का पहला प्लांट होगा। इसके अंतर्गत 100 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्लांट लिमिटेड गुड़गांव और 50 मेगावाट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट मेसर्स सपूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मुंबई द्वारा स्थापित किए जाएंगे। तो आपसे अगर देखिए, दोनों को याद रखिए, 150 टोटल है इसका, 150, लेकिन 100 मेगावाट की क्षमता, जो पहले 100 मेगावाट क्षमता का है ये आपका लगाएगा कौन, मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्लांट प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की है, और जो 50 का है ये लगाएगी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कौन लगाएगा 50 मेगावाट का, ये मेसर्स सब सापूरजी पालोनजी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड मुंबई की है, ठीक है? तो इन्हें भी याद रखिए। तो यही थी कुछ आपकी महत्वपूर्ण जो भी खबरें रही हैं 2019-20 में। वैसे याद रखिए, क्या लगता है कि अभी 2020 में आप समझ रहे हैं कम ही घटनाएं घटी हुई हैं, हर जगह कम ही सब कुछ हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है, 2019 में हम लोगों ने इसी बुक्स को कवर किया था, उसमें भी कुछ ज्यादा ही आपका कवर किया था, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। सुपर फास्ट रिविजन के नाम से आपकी प्ले लिस्ट सोची है, उसमें आपकी एक पूरी क्लास डली होगी, 19 घंटे 17-18 19 घंटे के करीब की है आपकी पूरी ये बुक्स, उस बार भी कवर की थी हम लोगों ने। चलिए अब इसी से संबंधित कुछ आपके पॉइंट भी हैं, ये भी वर्ल्ड एग्जाम या फिर आपके डायरेक्ट पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा, ये आपका 16 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य, वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा 16 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य किया जाएगा। 5 सितंबर 2020 को उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग 2019 का 4वां संस्करण उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है इसमें द्वितीय स्थान पर, और याद रखिए 2017-18 में ये था आपका 12वें स्थान पर, इस बार दूसरे नंबर पर। स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में प्रथम स्थान किसे मिला है, तो यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश यही वही आंध्र प्रदेश है, आपको मालूम होगा कि इससे अलग करके तेलंगाना बनाया गया था, ठीक है? उत्तर प्रदेश में पोषण माह 2020 का आयोजन किया जा रहा है 1 सितंबर से 30 सितंबर 2020 के मध्य, ठीक है? 24 अगस्त 2020 को सिडनी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया लखनऊ में, कहा सिडबी के स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास कहा किया गया लखनऊ में। प्रवासी भारतीय विभाग उत्तर प्रदेश के एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है 24 अगस्त 2020 को, 10 अगस्त 2020 से प्रदेश में के 11 जनपदों में शुभारंभ किया गया ये राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान मुक्ति अभियान, ठीक है? उत्तर प्रदेश में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की जाएगी गौतम बुद्ध नगर में, कहां गौतम बुद्ध नगर में। बन कॉप बन गैंगस्टर ऑपरेशन शुरू किया गया है गाजियाबाद पुलिस द्वारा, इस तरह की घटनाएं आप उत्तर प्रदेश में ही सुन सकते हैं। कोविड-19 से निपटने के लिए टीम 11 का गठन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो इसे भी याद रखिए टीम 11 कहां से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सरकार से। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR द्वारा कोविड-19 के मूल पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया कुशीनगर हवाई अड्डे को। उत्तर प्रदेश के पहले गो अभ्यारण्य का शिलान्यास किया गया मिर्जापुर में, कहा मिर्जापुर में। अनुसूचित जाति जाति के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना की शुरुआत की गई 18 जुलाई 2020 को। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम में चयनित होने वाली राधा यादव संबंधित हैं, ये जौनपुर से हैं, कहां की हैं राधा यादव जौनपुर से, ठीक है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान में उत्तर प्रदेश के चयनित जिले कितने हैं 31, ठीक है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आत्मनिर्भर भारत अलग है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश अलग है, ठीक है? जून 2020 में सेवा मित्र मोबाइल ऐप तैयार किए गए श्रम विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश जो आपके योगी साहब हैं और मोदी साहब दोनों अच्छे मित्र हैं एक तरह से,
तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत हम स्वयं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा भी करवा दीजिए साथ। तो ये दोनों ठीक है, उन्हीं ने प्रधानमंत्री साहब ने किया है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। फिर आप देखेंगे जून 2020 में आभा आत्मनिर्भर भारत मोबाइल ऐप तैयार किया है कौशल विभाग विकास विभाग द्वारा, आभा आत्मनिर्भर भारत। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने हेतु तैयार किया गया मोबाइल ऐप क्या है, यूपी कॉप, यूपी कॉप। उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिली है 9 जून 2020 को। 14 मई 2020 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन रोजगार संगम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है लखनऊ में। प्रवासी राहत मित्र ऐप विकसित किया गया है यूएनडीपी के सहयोग से। मुख्यमंत्री के राजस्व विभाग के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार की गई प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है 8 मई 2020 को। मार्च 2020 में मिशन विकास काशी प्रयागराज नया भारत नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये बनारसी में किया गया है, बनारस में, समझ रहे हैं? ये मेरी इच्छा है, पता है आप लोगों को, कि जो भी चर्चा में शहर रहते हैं एक बार पूरा, मतलब जो भी तीर्थ स्थल हैं एक तरह से, जो भी आपके चर्चित पुराने जो भी तीर्थ हैं या जो भी स्थल हैं आपके, जो भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभयारण्य हैं, जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं पुराने के लिए, इन सब की यात्रा करूं और इन पर एक एपिसोड लाऊं पूरा भारत यात्रा के नाम से पूरी। लेकिन देखता हूँ इसके लिए टाइम, मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। तो या तो ऐसा कर सकते हैं कि 15 दिन इस टाइम ले लीजिए, 15 दिन, फिर 15 दिन 2-4 महीने बाद टाइम निकाल लीजिए, इस तरह देखता हूँ। और आप लोगों से सलाह भी लूंगा कि आपके शहर में कौन सा है, वहां भी जाकर इस तरह पूरी जानकारी इकट्ठी उपलब्ध कराऊंगा, देखते हैं। देखिए 29 फरवरी 2020 को बेहद सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया है प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज इलाहाबाद में। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे गुजरेगा चित्रकूट बांदा महोबा हमीरपुर जालौन औरैया इटावा से। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है, 296 किलोमीटर। 29 फरवरी 2020 को चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किसने कहा किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 5 दिवसीय गंगा यात्रा का आयोजन किया गया 27 से 31 जनवरी 2020 के मध्य। 27 जनवरी 2020 को गंगा यात्रा का शुभारंभ कहाँ से हुआ था, बिजनौर से। 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया 15 से 19 जनवरी 2020 के मध्य लखनऊ में, लखनऊ में ठीक है। उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन एवं नियमन नियमावली 2020 के विज्ञापन को मंजूरी प्रदान करी गई है 11 फरवरी 2020 को। 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य डेप एक्सपो 22वां 2020, माफ करिए डेप एक्सपो 2020 यानी कि 20 कह देते हैं, 11वां संस्करण का आयोजन किया गया है लखनऊ में ठीक है, 11वें नंबर का है। और 20 इसलिए लगा दिया क्योंकि आप जानते हैं 2020 में हुआ है। समन योजना 2020 का उद्देश्य क्या है, अनाधिकृत निर्माण की प्रवृत्ति को रोकना। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल परिषद द्वारा राजस्व अभिलेखों में घाघरा नदी का नाम परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नई नदी का नया नया नाम क्या होगा, सरयू नदी, सरयू नदी, ये काफी आप लोग जानते होंगे। जनपद गोंडा के पसका संकूर क्षेत्र में स्थित ग्राम चंदापुर किटौली से रेवालगंज बिहार तक घाघरा नदी को जाना जाएगा सरयू नदी से, सरयू नदी के नाम से। 13 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई या लागू की जाएगी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया 11 से 14 जनवरी 2020 के मध्य। 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया है अवध शिल्पग्राम लखनऊ में, अवध शिल्पग्राम लखनऊ। 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन क्या है, दामिनी। 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास कहाँ किया है, लखनऊ में। अरे सब कुछ लखनऊ को ही दे दोगे तो बाकी जिले क्या करेंगे, अब देखिए भेदभाव है ये तो। 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई एक कानपुर में। राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा। सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को, यूपी को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की
25 फीट ऊंची कांच प्रतिमा का अनावरण किया गया है लोक भवन परिसर लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में सातवीं आर्थिक गणना का शुभारंभ किया गया है 26 दिसंबर 2019 से। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ किया जाएगा? महाराजगंज जिले में। एक समय आप भी तो देखते थे गिद्ध, आज ना के बराबर देखे जा रहे हैं। राज्य में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। कौन सा है? जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित है हरियाणा की पिंजौर में। देश का अगर पूछे तो ये हरियाणा के पिंजौर में है। ठीक। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला गया है कुशीनगर में। ये भी पूछ सकता है, देश का पहला विश्वविद्यालय है ट्रांसजेंडरों के समुदाय के लिए कुशीनगर में। 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया है 29 नवंबर 2019 को ये लखनऊ में। 4 नवंबर 2019 को प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, कहाँ? लखनऊ में। विदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है लखनऊ में। 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न आपात सेवा नंबरों 102 108 102 108 1090 181 1076 और संचालित सेवाओं को एकीकृत करके प्रारंभ की गई आपात सेवा एकीकृत आवास सेवा है 112। तो अब आप लोग केवल 112 पर ही काम चला सकते हैं। ठीक है, इस तरह के नंबर यार अब फिर से बोल रहा हूँ कि शेयर कर दिया करिएगा। ठीक है, अच्छा लगता है। 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहल है सवेरा। दीपोत्सव 2019 के अवसर पर 6,11,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया अयोध्या में। कहा? अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा द मिलियन फार्मर्स स्कूल 3.1 किसान पाठशाला के 5वें संस्कार का शुभारंभ किया गया है 21 अक्टूबर 2019 को। वह कार्यक्रम जिसके तहत किसानों की आमदनी बढ़ाने हेतु जागरूकता कार्यशालाएं संचालित की जाएंगी, यह द मिलियन फार्मर्स स्कूल। आप लोगों को मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि हम अपने किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कब तक? 2022 तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑर्गेनिक मैटर मिशन 2025 का शुभारंभ किया गया है 21 अक्टूबर 2019 को। 18 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा बायोफ्यूल प्लांट का शिलान्यास किया गया है गोरखपुर में। 18 सितंबर 2019 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के वाटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया गया गोरखपुर में। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कॉमन सैडी की धान हेतु निर्धारित समर्थन मूल्य है 1668 रुपये प्रति क्विंटल। तो याद रखना 1868 रुपये प्रति क्विंटल। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर प्रदेश के सभी जनपदों में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है 31 अक्टूबर 2019 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। वह कोष जिसकी स्थापना व कार्यान्वयन हेतु 22 अक्टूबर 2019 को राज्य मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास एवं नियंत्रण नियमावली 2019 को प्रख्यापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो यह मत्स्य पालक कल्याण कोष। 4 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा IRCTC द्वारा संचालित देश की प्रथम कॉरपोरेट ट्रेन लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया है लखनऊ से। कहां से? लखनऊ से। देश की प्रथम कॉरपोरेट प्राइवेट ट्रेन है। ठीक है, तेजस लखनऊ से दिल्ली। 20 से 22 सितंबर 2019 तक अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2019 का आयोजन किया जाएगा लखनऊ में। 14 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कामतगिरी परिक्रमा मार्ग के लक्ष्मण हिल को जोड़ने वाली 256 मीटर लंबे राज्य के पहले रोपवे का उद्घाटन किया चित्रकूट में। 16 अगस्त 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की पहली पुण्यतिथि पर की गई घोषणा के तहत लखनऊ का हजरतगंज चौराहा अब इस नाम से जाना जाएगा अटल चौक के नाम से। अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस नए विभाग के गठन का निर्माण किया गया है जल शक्ति विभाग का। आपने देखा है कि जल शक्ति मंत्रालय बना, उसी तर्क पर एक तर्ज पर यह भी हो गया। जल शक्ति विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश का सर्वाधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ग्रेटर नोएडा में। कहा? ग्रेटर नोएडा में। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित, और उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक जो भी समीक्षा थी उसे हम लोग बात कर चुके थे। अब आपके दो टॉपिक और हैं संक्षिप्तियां
और खेल परिदृश्य। तो देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे संक्षिप्तियां, तब तक आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, ठीक है।